यहाँ पे आए और जो ये करना है कर लो। और आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है और जन सरोवर के लिए हैप्पी पटेल साहब ने अपनी फूलमाला श्रद्धांजलि अर्पित की और अभी उनके बाद महान माता सत्या देवी और महान पिता कन्हैया चौधरी अपने ही राज बुलाए देश के लिए प्रमान होने वाले जैसे पूरी यूनिट की तरफ से कैप्टन सुनील को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी फूलमाला उनके चरणों में अर्पित करते हुए जिनके भाई ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। हमें बहुत फख्र है इस बात का कर्नल अर्पण दीक्षित 15 जाट से ये आए हुए हैं, कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल दिलीप धुरी एक साथ फतेह जिताया हुआ है। ये 118 मिलियन रेजिमेंट से ये भी काफी दूर से चल के एक साथ फतेह जिताया हुआ हमारे बीच में है, हमें बहुत फख्र है इस बात का। कर्नल केदार
आतंकवाद के इस चैलेंज को बिल्कुल फ्रंट से लड़ते हुए आपके सामने हमेशा आती है, चाहे मिलिटेंसी के दौरान इनकाउंटर करना हो, लॉ एंड ऑर्डर से लड़ना हो या पत्थरबाजों से लड़ना हो जो कि आतंकवादियों को सपोर्ट करते हुए कभी कभी नज़र आते हैं, और हर एक उस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। हमारी आपसी जो तालमेल है वो बहुत ही बेहतरीन है और उसमें कठुआ के खासकर ऑफिसर्स और ऑफिशल्स का योगदान बहुत अच्छा रहा है। आप देखेंगे कि जवान हमारे चाहे कश्मीर है चाहे आसाम है, कैप्टन सुनील चौधरी जी भी आसाम में लड़ते हुए शहीद हुए हैं, तो ऐसे कई सारे इलाकों में सियाचिन के ग्लेशियर से लेके तमिलनाडु तक हमारे कठुआ के जवान तैनात है और बहुत ही डटकर मुकाबला कर रहे हैं, और ये देख के और सुन के बड़ा फख्र महसूस होता है। जी सर, आज कैप्टन सुनील चौधरी कीर्ति चक्रा सेना मेडल ये 27 जनवरी 2007 में उग्रवादियों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, आज इनका हम 12वां शहीदी दिवस मना रहे हैं और इसको हम कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे से अच्छा बनाएं। और ये जो शहीदी दिवस मनाने का एक मकसद है, क्योंकि हमारे कठुआ में हर मोड़ पर जाओगे तो वहाँ पर शहीदों की स्मारकें खड़ी हैं, तो ये एक प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए हम इसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको प्रेरणा मिले। आज का दिन मेरे बेटे का शहीदी दिवस है, ये 12वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, हर साल हम ऐसे ही उसका मनाते हैं और सब हमारा साथ संयोग देते हैं, और मैं आज हमारे मतलब उसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, इसके लिए हमें दुख भी बहुत है कि मैंने पढ़ा लिखा के उसको ऑफिसर बनाया, पर जितनी सेवा वो देश धरती माँ के लिए करना चाहता था उतनी कर नहीं पाया, पर वो इतने छोटी सी सर्विस में ही बहुत अच्छा काम करके चला गया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी अभी अपनी माताएं हैं जिनके बच्चे जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं उनको चाहिए कि वो उनको समझाएं और अपने देश में सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करें, और ऐसे तो चलो हमारे को जीवन बार बार नहीं मिलता है, जो भी हम अच्छा काम करके जाएंगे, जैसे मेरे बेटे को याद किया जा रहा है बाहर में बाद में भी, तो उनको भी ऐसा मौका मिलेगा, और मेरे हर देशवासियों से यही प्रार्थना है कि वो जो भी हमारे शहीदी दिवस जब भी हम बनाते हैं तो बीच में आके संजोग दे, ये मेरा अकेली का बेटा नहीं है, ये हमारे पूरे देश का बेटा है, तो हमें भी उसके लिए प्रोत्साहन मिलता है, शक्ति मिलती है जीने की, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे युवा बच्चे हैं सब देश के लिए अपना जो और महान पिता कर्णजी अपने अपने ही